कमेंट आया था कि एक बहन ने पूछा कि यूट्यूब को स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, पर न्यू यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें 2022 में, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है यहाँ पर आ चुके हैं, खुल चुके हैं, तो अभी आगे क्या, और अभी जो है टॉपिक कहाँ से लें। तो मैंने सोचा कि इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, वो अभी इस समय करंट सिचुएशन में, ठीक है। तो यदि आप तीन चीजों पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप 2022 में क्या 2050 में भी यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। इस तीन टॉपिक, ये तीन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जड़ है। यदि आप इस पर फोकस होकर काम करेंगे डेफिनेटली आप किसी भी समय यूट्यूब चैनल शुरू करें, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी को मैं इसमें मेंशन नहीं करने वाला, क्योंकि ये तो आप रख ही लीजिए कि यदि आपको ग्रो कराना है तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। रियल लाइफ हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी करना है, सक्सेस पाना है, ठीक है, खुद को ग्रो कराना है तो भी आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, तो कंसिस्टेंसी यूट्यूब पर तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, ठीक है, तीन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, मेन टॉपिक पर जो कि रियल में इम्पैक्ट डालता है। और यदि आप तीन टॉपिक पर कभी भी काम करते हैं, इस तीन चीज पर, ठीक है, तो आप अपने चैनल को ग्रो करा सकते हैं 2020 हो, 2022 हो या फिर 2050 हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फालतू बकवास नहीं हो रही है कि भाई ये करना है वो करना है, फोकस वाला काम है, किस पर आपको फोकस करना है वो चीज देखना है, ठीक है। तो पहला जो है इसमें से है वो है फोकस ऑन कंटेंट, मतलब कि वीडियो ही तो जड़ है सभी की, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वीडियो क्या, किसी भी टाइप का वीडियो बना लेंगे तो ग्रो हो जाएगा? नहीं भाई, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे कराना है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा जो कि ऑडियंस रिटेंशन को कैच कर पाए, ठीक है। वो जो है कंटेंट ऑडियंस रिटेंशन को कैच ही करना चाहिए, और इसके अलावा जो कंटेंट है वो पूरे चीज को मेंशन करना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका तो वो सारी चीज उसमें, जैसे मान लीजिए कि हाउ हो गया, कैसे, व्हाट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा व्हाई, ये तीन चीज यदि आप इस वीडियो में डालते हैं तो आपका कंटेंट कंप्लीट होता है। क्योंकि कोई भी चीज यदि आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ये तीन चीज होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज क्या, जैसे मान लीजिए यूट्यूब चैनल ग्रो, तो यूट्यूब चैनल ग्रो क्या होता है, ठीक है, क्यों हमें YouTube चैनल को ग्रो कराना है और YouTube चैनल को ग्रो कैसे करें, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में आना चाहिए, ठीक है, तो वो ऑडियंस आपके वीडियो में इंगेज रहेगी। नंबर दो, फोकस ऑन थंबनेल आपका कैची होनी चाहिए। दूसरा, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। दोनों भी चीजों में लोगों ने भूल कर दिया है, या तो कोई होते हैं वो बहुत ज्यादा कैची बना देते हैं तो उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन भर देते हैं कि वो कैची होता ही नहीं है। तो दोनों को लेकर चलना है, पहले कैची होना चाहिए जो कि देखकर कोई क्लिक करे, दूसरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन इमेज डाल के आप बना सकते हैं, लेकिन काफी सारे देखते हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन में घुसा देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भर देते हैं, तो वो एक तरह से इन्फॉर्मेटिव हो गया, फिर कैची नहीं रह जाता वो, फिर लोग दूसरी तरफ जाते हैं क्योंकि वो ब्रेन वॉश कर देता है आपका थंबनेल, ठीक है। तो थंबनेल कैसा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर थ्री, फोकस ऑन यूट्यूब ट्रेंडिंग कीवर्ड। जी हाँ, गूगल ट्रेंडिंग कीवर्ड नहीं, यहां पर यूट्यूब ट्रेंडिंग कीवर्ड के बारे में बात हो रही है। यदि आप चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं इस समय या फिर किसी भी समय, तो आपके चैनल पर यूट्यूब ट्रेंडिंग कीवर्ड होना चाहिए। अब ये यूट्यूब ट्रेंडिंग कीवर्ड मिलता कहाँ है, डिफरेंट वेबसाइट से मिलता है, ठीक है। जहां पर आज के समय में बात हो रही है उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप पहले से डिस्कस कर रहे हो, पैशन है, वो अलग बात हो गई, लेकिन ये नए बंदा जो है चैनल ग्रो कैसे करेगा उसके लिए बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर YouTube ट्रेंडिंग कीवर्ड के बारे में बात की। अगर कीवर्ड जो है हाई वॉल्यूम वाला है, इसके साथ ही हाई कंपटीशन वाला है, तो समझ लीजिए कि उस पर आप ज्यादा रैंक नहीं कर सकते, और शुरुआत में आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ सकता, तो कहना चैनल ग्रो कैसे करेगा, ठीक है। आपको लो कंपटीशन हाई वॉल्यूम कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, यानी कि कंपटीशन में वो लो होना चाहिए लेकिन सर्च वॉल्यूम में वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ये तीन चीजों पर फोकस करते हैं डेफिनेटली आप किसी भी समय में अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हैं। मैंने ये तीन चीज में काफी सी चीजें बता दी है, अगर आप ध्यान से समझे तो। ट्रेंडिंग मतलब क्या, आप 2050 में भी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं तो ट्रेंडिंग वाला कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पर ग्रो होते रहेंगे। और बाकी ये जो चीजें हैं ये तो कस्टमर को एंगेज करने के लिए है, ठीक है। तो टॉपिक यहां से मिल जाएगा और कस्टमर जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स है, वो यहां से एंगेज रहेगा, बस यही दो तो चाहिए यूट्यूब पर, और इसके साथ ही आप यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हैं। और ज्यादा जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।